उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, और मेरे तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। खैर, आज तो हमारा दूसरा दिन है, लेकिन पाकिस्तान में ईद का आज पहला दिन है, तो आप सबको मुबारकबाद। और हम इस वक्त आ गए हैं इटली के वेनिस शहर में, जो कि कल मैंने बताया था, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से फिर आ नहीं पाए। अभी भी जल्दी जल्दी मैं फिर वीडियो नहीं बना पाया, तो जैसे ही एंटर हो गए मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, तो अभी आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही नहायत प्यारी जगह है, आप भी देख लेंगे, हमारे साथ इंजॉय कर लेंगे। तो मौसम भी आज अच्छा है, क्योंकि इस दिनों में इटली का मौसम अच्छा होता है, अभी तो बाद में गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो खैर, मेरे साथ रहेगा, बढ़ते हैं आगे। ये हम अभी यहाँ से जा रहे हैं, खैर मेरे तो पहली मरतबा है, लेकिन मैंने सुना है, बहुत तारीफ सुनी है इधर की, तो देखेंगे ना इंशाल्लाह, क्योंकि बीच साइड है, समंदर के पास में व्यू बहुत अच्छा है, रश भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है, यहाँ तो सारा साल जो है ना रश होता रहता है। तो अभी जाएंगे ना इंशाल्लाह आगे, दिखाएंगे आपको भी। ये सारा समंदर का पानी इन्होंने इधर जो है ना साइड पे किया हुआ है, क्योंकि ये सारा जो शहर है पानी में बना हुआ है ना, किश्तियों का एंजॉय कर रहे हैं लोग। थोड़ी देर फोटो शूट करने के बाद अभी जाएंगे आगे, क्योंकि आगे और भी माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह है ना, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो शो भी काफ़ी अच्छा है, माशाल्लाह माहौल बना हुआ है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। इन लोगों को तो पता नहीं है यार, हमारी तो ईद इसलिए एंजॉय कर रही हैं, तो आम दिनों में बस इतना वो सीन नहीं बनता बाहर आने का। ये रहा हमारा रेस्टोरेंट, ये हमारा नहीं है, मतलब रेस्टोरेंट है, और पता नहीं यार इसका सारा बहुत जो है ना वो तारीफ है, लेकिन खैर मुझे कुछ पता नहीं है, सिर्फ ये नज़ारे दिखा सकता हूँ, बस इसको देखे इंजॉय करें, क्योंकि अभी मैं इतना प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ, ना ही कुछ पता है किस तरह व्लॉगिंग करते हैं, बस देखो इंजॉय करो सहते रहो। खैर अच्छा है, माहौल अच्छा है, हम इंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों का पता नहीं आप इंजॉय करोगे या नहीं, देखोगे मज़ा आएगा या नहीं, ये चेक करें आप। मतलब एक होता है पाकिस्तान में, हमारे मदारी देखते होंगे अपने मेलों वगैरह में, ये इधर के मदारी होते हैं, ये देखो ये जो है ना छुपाता है दिखा रहा है दोस्तों को अपने, ये तीन जो है ना ये हरामी इनके दोस्त है, ये बस लोगों को भी खूब बना रहा है, और बाहर से जो लोग होते हैं वो आएंगे पैसे देंगे वो आ जाएंगे, ये देख रहे हो, ये तीनों इसके अपने लोग है, बस ऐसा सीन बना रहे हैं कि भाई ये तो बाहर से आए हुए टूरिस्ट है और बस पैसे कमा रहे हैं। ये देखो अब बाहर से इसमें से बेचारा कोई आएगा जो टूरिस्ट हो, पैसे होंगे उसके पास, तो वो भी उठा लेगा इसमें से, वो भी उठा लेगा उसमें से, बस उसको फिर वो कंफ्यूज कर देंगे सारे, वो पैसे जो है ना वो हार जाएगा। खैर छोड़ो मदारी को, छोड़ो ये सीन चेक करो, सीन अच्छा है भाई। ये शहर की जो पुरानी गलियां है वो है, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, पता नहीं इधर कोई डेट वगैरह लिखा होगा शायद, देखना होगा। खैर ये तो है, ये घर के नंबर है, इधर घर का अपना एड्रेस होता है, नंबर होता है मोहल्ले का, तो सब कुछ यही होता है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे से इन्होंने कवर किया हुआ है, बीच में से शॉप्स वगैरह है ना। और ये इस शहर की खूबसूरती है, ये कश्तियाँ और बीच में जो ये इन्होंने बनाई हुई है ना, ये तो बहुत अच्छा माशाल्लाह कवर किया हुआ है इन्होंने, और बस लोग आते ही है, क्योंकि ये सारा समंदर का पानी है, इन्होंने इस तरह से बस सारा सिस्टम बनाया हुआ है, लोग इसमें घूमते हैं इंजॉय करते हैं, बीच में पुरानी जो इमारतें हैं वो है, ये सारा मैंने पानी में ही कढ़ाई। ये अब लोग बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम था कुछ इधर, थोड़ा शॉप है, थोड़े से पैसे भेजने थे लड़के को, तो ये जो दादी खड़ी है ना ये भेज रही है, लगता है हो गए, पता नहीं क्या कह रही, मुझे करना था वो तो नहीं हुआ, पैसे भेजने थे नहीं हो सके इधर से,
लेकिन हमने अपने लिए मोस्टर दिया, ये बड़ी काम की बात होगी, ये इंजॉय करेंगे। चेस अबू जरा चेस। सो छोटी छोटी गलियों से इस रश में गुजरते हुए जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे कोई अच्छी जगह, शायद इससे और भी अच्छी जगह हो। है ये भी बहुत अच्छी जगह है, माहौल भी अच्छा है, बहुत इंजॉय करने वाली जगह है। ये देखिए आप नज़ारे जो है ना, हमारे मुल्क पाकिस्तान में होते, लेकिन जो एरिया होता है उस तरह का नहीं होता, आई थिंक मरी के हिसाब से होता है। ये एक सेंटर सा बनाया हुआ है इन्होंने, बीच में एरिया है और इनके शॉप से। और कश्तियों को देखो और ये घोड़ों को देखो और ऊपर ये देखो इटालिया का झंडा, इसको देखो। अच्छा जी जनाब, ये आ गए अब हम और भी बेहतरीन जगह। ये ऐसा है क्योंकि मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है ना, आप लोगों को पता नहीं कैसा लग रहा होगा, लेकिन अगर सही से मज़े, ये चेक करें आप। अब इनके अपने हिस्ट्री होगी, पता नहीं कब बनाएगी ये वो वगैरह, लेकिन वो मुझे याद नहीं है, वो याद करके इंशाल्लाह दोबारा आऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, वो टेंशन नहीं है, इधर ही दे रहे। और वो आ गया समंदर, ये सारा जो है ना समंदर आ गया, साथ में पानी है, किश्ती है, लोग इंजॉय कर रहे। किश्तियों से तो मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लगता है। ये देख चेक करो, उधर से टिकट लेके ना आप किश्ती में इधर से जो है ना ट्रेवल कर सकते हो, घूम सकते हो, और एक्सपेंसिव भी नहीं है, चीप है, सस्ती है टिकट्स वगैरह। ये सारे जो है ना इस किनारे आके जमा हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इन्होंने स्टैचू बहुत प्यारा बनाया हुआ है, तो अब ये होगा कोई बादशाह वगैरह हो, क्योंकि इटली तो सारी जो है ना इटली सारी वो हिस्टोरिकल प्लेस है। इन लोगों ने इधर लिखा हुआ है, पता नहीं ये क्या है, मुझे नहीं आ रहा समझ। और ये साथ में ये सीन है इसका, बहुत ही प्यारी व्यू नज़र आ रही है। ये जो इधर से जो किश्तियाँ जाती हैं ना, वो आम गवर्नमेंट की तरफ से जो होती है, तो उसके वगैरह टाइम वगैरह लिखा हुआ है किस टाइम पे वो किश्ती जाएगी, का अपना ही कुछ अलग प्रोसेस है, लेकिन मुझे मैं नहीं जानता ना कि अब इससे क्या होता है। लेकिन फिर हम जाके इधर बैठ जाएंगे आराम से, थोड़ा व्यू का मज़ा लेंगे, फिर बाद में जिधर जाएंगे इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे आपको। अच्छा सीन कुछ ऐसा ही ना इधर के, इन लोगों ने ये ताले लगाए हुए होते हैं, जो डेट वगैरह लिखी होती है इस पर नाम भी लिखा है, तो ये मतलब प्यार के लिए, प्यार के निशानी होती है, इनका रिलेशन ख़त्म हो जाता है। नहीं ख़त्म होता भाई, नहीं ख़त्म होता है, तालों से नहीं होता, तो बस इस तरह होता है ना। ये सारा इन्होंने गन मचाया हुआ है, फ़ायदा कुछ नहीं है, खैर एंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय करने तो वैसे भी, फिर जो बाद में गवर्नमेंट की तरफ से लोग आते हैं वो क्लियर करके चले जाते हैं, जब ज़्यादा हो जाएंगे। आप जा रहे हैं वापस क्योंकि शाम भी होने वाली है और मोबाइल फ़ोन में चार्ज कम है, लोग भी इधर ही एंड कर रहे हैं, क्योंकि बस ये छोटा सा व्लॉग था, इतने डिटेल में नहीं था, इंशाल्लाह फिर आएंगे डिटेल में, वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।